पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन, भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भोजपुरी एक्टर व बीजेपी सांसद रवि किशन पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि रवि किशन उनके पति हैं और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सेनेवा है। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ये आरोप लगा रही है। खबरों के मुताबिक अपर्णा ठाकुर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अगर रवि किशन अपनी बेटी सेनेवा को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो कानूनी अधिकार पाने के लिए अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगी। अपर्णा ठाकुर नाम की महिला ने ये दावा किया है कि 28 साल पहले रवि किशन से उनकी शादी हुई थी। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या पूरा मतलब है? मेरा नाम अपर्णा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मतलब है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। एक बड़ा आरोप आप लगा रही हूँ। हाँ, किस रवि किशन? मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, किस रवि किशन की बात कर रही हूँ पहले ये बताइए। मैं जो रवि किशन है उन्हीं की बात कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात कर रही हूँ। आप फिर से अपने जवाब को बताइए। हाँ, मेरी ये मांगे हैं कि मेरी डॉक्टर को वो या तो अडॉप्ट करे या लीगली उसको उसकी राइट्स मिले, जो ऑफकोर्स वो हकदार है उसकी। बस मेरी ये ही मांगे और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की है, बट मैं कोर्ट में भी जाने वाली हूँ। I will go by law and I trust law. क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, नहीं सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी शादी हुई है रवि किशन से? शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी बनाया है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है। कब शादी हुई थी आपकी? हम लोग की हुई थी 96 में। कहाँ पर? हाँ, जगह पर हुई थी, बॉम्बे में। शादी के नहीं है, क्योंकि देखो क्या है ना, तब फ़ोन ही नहीं था, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहले की बात है वो फ़ोन नहीं था। बट हाँ, हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं, मेरे उनके भी साथ में हैं, जो बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है और काफ़ी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है, वीडियो के, उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है वो कह रही है मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो, वो सारे वीडियो हैं जो मैं कोर्ट में देने वाली हूँ, कोर्ट क्यों जा रही है? क्योंकि मैं थक गई उनसे बोल के, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, मुझे वैसे मेरे सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और वैसे कोई हेल्प भी नहीं कर रहे हैं दुनिया के सामने। नहीं एक्सेप्ट नहीं, और मेरे को ये नहीं चाहिए था, मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं ये नहीं चाहती थी कि दुनिया के सामने एक्सेप्ट करें, मैं पहले ये चाहती थी कि इसके लिए कुछ करे, क्योंकि जैसे उनकी दूसरी बेटियाँ हैं वैसे ये भी बेटी है, और आप दूसरी बेटों के लिए कर रहे हो और आपने पूरा अबेंडन कर दिया अपनी खुद की बेटी को, आपने कुछ भी नहीं किया, कभी भी नहीं, आज तक उनसे एक हेल्प नहीं मिली है उनको। अब आप कोर्ट जा रही हैं कि जा चुकी हैं? जाने वाली हूँ। आप कोर्ट जा रही हैं? हाँ जी, के खिलाफ। हाँ जी मैम, मुख्यमंत्री से आप क्या मांग करती हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री से मैं ये ही मांग करती हूँ कि मेरी डॉटर को न्याय मिले, जो
रवि की डॉटर है, तो उसको ये मिले कि या तो वो अडॉप्ट करे या तो उसको लीगली अपनाए और उसको अपना नाम दे। मैम आखिरकार चुनाव के समय पर ही इस तरह की बात सामने क्यों आई, इससे पहले आखिर? देखो चुनाव से वापस मैं आपको कह रही हूँ, जो मैंने कहा है कि चुनाव से मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ वो चुनाव जीते भी और लड़े भी, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और टाइम ये है ना कि उनका चुनाव है और इसकी लाइफ है। मैं वापस वही कह रही हूँ कि इतने टाइम हो गया है और एक साल से वो मैं टच में नहीं है। उसके पहले क्या था ना, वो टच में थे मुझसे, नॉन स्टॉप हमारी बातें होती थी, मिलते थे और प्रॉमिसेस करते थे और मैं कैरिड अवे हो जाती थी कि हाँ कुछ करेंगे कुछ करेंगे। मैम उनकी फैमिली से क्या आपकी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर? आपने जैसा कहा कि उनकी फैमिली के साथ ही आप रहते थे। नहीं उनकी नहीं फैमिली से बात नहीं हुई है, पर उनकी फैमिली को सबको पता है, मम्मी को, मम्मी पिताजी तो है नहीं अभी, बट उनकी मम्मी को, बहन को, भाई को, प्रीति को जो उनकी है, बच्चों को, उनको सबको पता है। हम लोग पहले बहुत मिलते थे पर अब नहीं मिलते। क्या इस पूरे मामले को लेकर आप किसी थाने पर या पुलिस की सहायता भी लेंगी? नहीं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। हाँ, मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन ये लगाना चाहती हूँ, मैं इसकी बस लीगल राइट देना चाहती हूँ। तो मैं कुछ FIR वगैरह अभी तक तो वैसे मेरे लॉयर्स बताएंगे बेटर, बट मैं पर्सनली FIR नहीं करना चाहूँगी, कुछ नहीं करा, लीगली जाके मैं उसकी बस DV करना चाहती हूँ कि उसको उसकी राइट्स मिले बस। मैम आप लखनऊ की रहने वाली हैं या? नहीं, लखनऊ में हूँ मैं 4-5 महीने से, क्योंकि हम लोग, मैं इसका ब्रांड स्टार्ट करने वाली थी कुछ चिकनकारी का, तो इसके लिए मैं इधर ही हूँ। बेटी आपकी जो है वो क्या करती है? वो फिल्म इंडस्ट्री में।